हेलो आर्यन, मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? शैल वी स्टार्ट विद दिस सेशन? यस सर, वॉइस इज क्लियर. चलो 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 स्टार्ट करते हैं जल्दी से. सो ये कैट वालों का DPP 13 है और न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू गाइस कि आप अगर कैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो देन यू विल हैव वन ऑन वन मेंटरशिप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विल हेल्प यू अ लॉट. आपको ये ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना है Sky10. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन गाइस. तनय, आर्यन, वेलकम एवरीवन. चलो, और रिसेंटली देर आर फ्यू बैचेस स्टार्टेड, हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और आगे और बैचेस स्टार्ट होंगे. तो आप फिर से, मैं बता रहा हूँ कि कैट के लिए या आईपी मैट के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Sky10. यूज दैट कोड एंड यू कैन ज्वाइन इट. ओके, चलो तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे. एवरी संडे वी हैव कैट कॉम्बैट. अगर आप इस कैट कॉम्बैट में आपका रैंक 1 से 200 आता है देन यू हैव चांस टू विन स्कॉलरशिप फ्रॉम 25%. 25% to 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है. ओके, चलो तो ये है अपना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन अभी याद है, तनय एंड आर्यन अभी हमने किया था. ये अलग क्वेश्चन है लेकिन लेकिन टाइप सेम है. तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए और सफिशियंट टाइम दूंगा, डोंट वरी. पोल स्टार्ट हो चुका है, लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस. तो ये हमारे कैट डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए. और हर एक क्वेश्चन के लिए हम पोल कंडक्ट करेंगे. तो ऐसे ही सब लोग मुझे ज्वाइन कीजिएगा जब भी हमारा सेशन होगा. हेलो यश, क्या बात है, आप ज्वाइन कर लिए. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था, याद है? प्रीवियसली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सिमिलर लॉजिक यूज करके. अब मैं पूरा वो डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको. ओके, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या करना है. सिंपल है, लेकिन बस आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, जब टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का जो भी रेशियो, मान लेते हैं स्पीड का 2:3 रेशियो है तो टाइम का भी 2:3 रेशियो ही, डिस्टेंस का भी 2:3 रेशियो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये. नमस्कार सर जी, गुड नाइट बोलने. लेकिन ज्यादा पढ़ाई के लिए मोड, बस थोड़ा बहुत सॉल्व करोगा. श्योर श्योर श्योर, परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट. गुड नाइट, गुड नाइट. चलो इसको सॉल्व करते हैं गाइस. क्या बात है आर्यन, वेरी गुड. चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को. अमेजिंग, रियली रियली हैप्पी. ओके, अब हमें एक चीज पता है कि मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे अभी कि अजय ए इज टू बी, डिस्टेंस का रेशियो क्या है. देखो, अजय ने जब 1000 मीटर कवर कर लिया तब विजय ने 900 मीटर्स कवर कर लिया, करेक्ट? तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 10:9 का रेशियो हो गया दोनों के डिस्टेंस का रेशियो. और विजय ने उसको किसको हरा दिया, चांद को हरा दिया, और कितने डिस्टेंस से, 100 मीटर से. तो यहाँ पे भी रेशो, जब विजय ने 1000 मीटर कवर किया तब यहाँ पे उसने, चांद ने 900 मीटर कवर कर लिया, तो रेशो फिर से हो गया 10:9. अब दोनों में ब्रिज कौन है, दोनों में ब्रिज है बी, और उसको उसका वैल्यू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है. उसको इक्वल करने के लिए 9 एंड 10 के एलसीएम से मल्टीप्लाई, एलसीएम बनाना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करो. तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 100:90 और यहाँ पे हो जाएगा 90:81. तो आप यहाँ पे अभी कंबाइंड रेशियो लिख सकते हो, ए इज टू बी इज टू सी. इनका कंबाइंड रेशियो क्या होगा, देखो 100:90 और ये डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, और यहाँ पे होगा 81. मतलब जब अजय ने 1000 मीटर कवर कर लिया तब विजय ने 900 मीटर कवर कर लिया और
चांद ने 810 मीटर्स कवर कर लिया, ठीक है। शाश्वत ओके, तब यहाँ पे 810 मीटर्स कवर कर लिया। अब एक सिंपल सी बात है, सब लोग ध्यान देके सुनिए। अब एक सिंपल सी बात है कि 1000 मीटर, 900 मीटर और यहाँ पे 810, तो कितने मीटर से हराया है? 190 मीटर से हरा दिया। वेरी वेरी सिंपल, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को? एवरीवन क्विकली टेल मी। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिस्टल क्लियर तनय एंड यश एंड आर्यन, आई होप आपको समझ में आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 190 मीटर इज द आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, ऐसे ही आपको ज्वाइन करना है गाइस। बस देखो, देर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो कभी कभी हो सकता है कि कभी क्लासेस ना हो, कभी हो, और क्योंकि इन माई लाइफ ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए इतने सारे सेशंस करने वाला हूँ। कभी कभी हो सकता है कि टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बट आई विल मेक श्योर कि आपका हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस हो। ऑलराइट, तो चलो अब यहाँ पे इसके लिए भी हम पोल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो पोल के लिए इसको भी थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा टाइम लगे आपको, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट हो चुका है पोल। चलो गाइस स्टार्ट कीजिए, जल्दी से सॉल्व करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं सिंपल एक अजम कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे। क्या बात है तने, वेरी गुड, अमेजिंग। कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, मैं आपको एक अच्छा सा शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन शॉर्टकट समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपको शॉर्टकट समझ में आएगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओ। मैंने आंसर कर दिया है, ठीक है। एक काम करूं, पोल एंड कर दूं क्या? आई गेस आर्यन आप सॉल्व कर रहे हो इसको, टाइम रखूं कि पोल एंड कर दूं? नो इश्यूज, टेक योर टाइम, बस थोड़ा सा बस टाइम बचा है, पेशेंस रखिए, फिर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डोंट वरी एट ऑल सर, गलत हो गया मेरा। अच्छा, आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है ठीक है, पोल एंड कर देते हैं। ओ नो इश्यूज, वेरी गुड, ठीक है। उनके क्या बोला है कि सेम डिस्टेंस प्रोवाइडेड इज टू बी, हाँ, उनके स्पीड का रेशो हार्ड है, ओके नो इश्यूज। उनके स्पीड का रेशो दिया है 3:2, ठीक है, मतलब ए और बी के लिए स्पीड का रेशो 3:2। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइम मिनट्स में दे रखा है ना, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे कि 3 मीटर पर मिनट ये ए का स्पीड है और 2 मीटर पर मिनट ये बी का स्पीड है, ठीक है, यहां तक सिंपल है एकदम। अब मैं 3 एंड 2 का एलसीएम लेता हूं, 3 एंड 2 का एलसीएम लेता हूं, तो 3 एंड 2 का एलसीएम कितना? 6। तो आप एक काम कीजिए, 6 मीटर का डिस्टेंस कंसिडर कर लो, 6 मीटर का डिस्टेंस कंसिडर कर लो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है गाइस किसी को? तनय आर्यन कोई डाउट है किसी को? यस और नो? अब 6 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए, दैट्स ऑल राइट, चलो वेरी गुड, 6 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? 6 मीटर के डिस्टेंस को, हेलो अभिषेक, वेलकम टू द सेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, और एक शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ऐसे ही पोल्स हम कंडक्ट करने वाले हर क्वेश्चन के लिए, सो बी देयर गाइस। एग्जैक्टली, ए को 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से 6 मीटर कवर करने के लिए लगेंगे 2 मिनट, ठीक है,
और बी को कितना टाइम लगने वाला है यहां पे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लो तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एग्जैक्टली तने करेक्ट बोला आपने, क्यों 3 मिनट लगेंगे बी को कवर करने के लिए। अब उनके बीच में देखो गैप कितने का आया, कितने कवर करने के लिए गैप कितने का दिया हुआ है। देखो दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप दे रखा है, ठीक है, जो मैंने अजम्पशन 1 मिनट डिफरेंस रिप्रेजेंट 10 मिनट। हाँ एग्जैक्टली, देखो मैं आपको यहाँ पे अभी कैसे अप्रोच करना है बता रहा हूं कि जब मैंने 6 मीटर का डिस्टेंस अज्यूम किया तब दोनों के ट्रैवल टाइम में 1 मिनट का गैप आया, लेकिन उन्होंने तो 10 मिनट का ट्रैवल टाइम के बीच में गैप दिया हुआ है। तो कितने डिस्टेंस के लिए, कितने मीटर्स के लिए दोनों में 10 मिनट्स का गैप आएगा, बता सकते हो? जल्दी से बताइए। 6 मीटर के लिए 1 मिनट का गैप आया तो कितने मीटर? एग्जैक्टली आर्यन, वेरी गुड। यहां पे मुझे एक चीज पता चल जाएगी कि 60 मीटर्स के लिए उनके बीच में ट्रैवल टाइम के बीच में 10 मिनट का गैप आएगा, मतलब मुझे डिस्टेंस पता चल चुका है, मुझे डिस्टेंस पता चल गया कि 60 मीटर का डिस्टेंस है। अब ए को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ, और बी को कितना टाइम लगेगा बताइए जल्दी से, क्विकली टेल मी। ए को 60 मीटर ट्रैवल करने के लिए स्पीड देखो पता है ऑलरेडी हमको, उसको लगेंगे 20 मिनट्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और बी को लगेंगे 30 मिनट्स, वेरी सिंपल। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंड पर्सन को, क्वेश्चन देखो पूछा है उन्होंने कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सेकेंड पर्सन टू कवर द डिस्टेंस, तो आंसर हमारा सीधा सीधा है 30 मिनट्स। गाइस डू यू फील, तनय आर्यन बोथ ऑफ यू, डू यू फील दिस वॉज एन ईजी मेथड? देखो कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल से अजम्पशन किए हैं, है ना, इजी मेथड है एकदम, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो 30 मिनट हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो चलो अब ये क्वेश्चन और भी सिंपल है हमारा। सर प्लीज गिव एन ओवरव्यू अगेन। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं उस क्वेश्चन का। देखो उनके स्पीड का रेशियो हमको पता है 3:2, तो मैंने अज्यूम कर लिया स्पीड की, एक देखो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए का स्पीड है 3 मीटर पर मिनट और 2 मीटर पर मिनट, ये तो सिंपल है, रेशियो दिया हुआ है तो सीधा सीधा अज्यूम कर लिया। अब दोनों भी स्पीड का मैंने एलसीएम लिया ताकि मैं एक डिस्टेंस को अज्यूम करूं, और एलसीएम क्या है, 6, तो 6 मीटर का डिस्टेंस अज्यूम किया मैंने। 6 मीटर कवर करने के लिए ए को टाइम कितना लगेगा, देखो ए का स्पीड पता है 3 मीटर पर मिनट, और 6 मीटर कवर करने के लिए ए को लगेगा 2 मिनट और बी को लगेगा 3 मिनट। अब उनके बीच में ट्रैवल टाइम में 1 मिनट का गैप आया, करेक्ट, मतलब जब मैंने 6 मीटर अज्यूम किया था तब 1 मिनट का गैप आया, तो कितने मीटर मैं डिस्टेंस अज्यूम करूं ताकि उनके बीच में 10 मिनट का गैप आए, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट का गैप दे रखा है। तो ऑब्वियसली 6 मीटर पे 1 मिनट का गैप, तो 60 मीटर पे 10 मिनट का गैप आएगा, तो 60 मीटर का डिस्टेंस मुझे पता चल गया कि एक्चुअल डिस्टेंस 60 मीटर्स का है। अब 60 मीटर कवर करने के लिए ए का स्पीड तो पता है ना मुझे कि 3 मीटर पर मिनट, ये ए का स्पीड है, और 2 मीटर पर मिनट क्या है, बी का स्पीड है। तो 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से 60 मीटर कवर करने के लिए 20 मिनट लगेंगे और बी को 30 मिनट लगेंगे, और यही क्वेश्चन पूछा था कि बी का टाइम क्या है। आर्यन समझ में आ गया अभी, इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 का पोल अभी खोलते हैं अपन। ओके तो 18 के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और इतना ज्यादा टाइम आई डोंट थिंक लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने ये पोल स्टार्ट कर दिया है गाइस। आई हैव स्टार्टेड द पोल एवरीबॉडी, चलो जल्दी से ट्राई कीजिए सब लोग। तनय
करना है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। दैट्स रियली ग्रेट, तनय का आंसर आ गया, दैट्स परफेक्टली फाइन। बाकी लोग आंसर करिए जल्दी से। थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा सा पेशेंस। अच्छा, आपने शायद आंसर कर दिया यहाँ पे। चलो देखते हैं अभी कि इसका कैसे, मैं पोल अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों ने आंसर कर दिया, आपका गलत हो गया, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो सब लोग ध्यान से सुनिए। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स। तो सबसे पहले पोल को क्रॉस करने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। और 15 सेकेंड्स का टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन हमको नहीं पता, स्पीड ऑफ ट्रेन, अच्छा सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, एक मिनट, लेंथ ऑफ ट्रेन ट्रेन हमको पता है, दिया हुआ है, दैट इज 200 मीटर्स। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने की बारी है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो यहां से सिंपली आ जाएगा, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन। बात खत्म हो गई यहाँ पे। और इसके बाद में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 60 सेकेंड लगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बात खत्म है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू, प्लेटफॉर्म की केस में फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। अब टाइम टेकन दिया है 60, लेंथ ऑफ ट्रेन पता है 200, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकालना है, और स्पीड ऑफ ट्रेन है कितना, 200 बाय 15, सो 200 बाय 15। तो 200 बाय 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा, देखो 60 into 200 by 15 -200 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बहुत सिंपल। तो 15 से ये 4, 200 into ये 800 माइनस, देखो ये 800 हो गया, 800 माइनस 200 कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी सिंपली 600 मीटर्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से बढ़ते आगे। एवरीवन क्विकली गिव मी थम्स अप। अब ये थोड़ा सा गाइस ट्रिक क्वेश्चन है आपको। मैं पोल यहाँ पे तो भले ही स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तीन ही है, चार ऑप्शन नहीं है, तीन ही ऑप्शन है। और अपने पोल्स में ना तीन ऑप्शन का आंसर, मतलब तीन ऑप्शन के लिए पोल नहीं है, तो चार ही ऑप्शन रखते हैं, लेकिन तीनों, पहले तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो आप ट्राई कीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कॉन्सेप्ट ही आपको ना पता हो। ठीक है, तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से तो रिलेटेड है ही, और क्लॉक से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बात है, वेरी गुड आर्यन, अमेजिंग। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, चलो एनीवेज मैं एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, पोल एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। डॉग्स रात को ही क्यों अरे क्या बताओ यार, यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि बाजू वाले बिल्डिंग में उनके गैलरी में डॉग रहता है, और उसके साथ जो स्ट्रीट डॉग्स है, तो उनका नैन मटक्का चलते रहते हैं रात को, पता नहीं वो एक दूसरे पे भौंकते रहते रात को। एनीवेज चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं गाइस। सब लोग ध्यान से सुनिए इसको, कैसे अप्रोच करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है कि 12 आवर्स में कितनी बार
कितनी बार वो आर हैंड एंड मिनट हैंड मिलते एक दूसरे से, बता सकते हो? ये कॉन्सेप्ट पता है क्या आपको कि कितनी बार 12 घंटे में वो मिलते हैं? अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि आप बस याद रखिए कि 12 घंटे में वो 11 टाइम्स मिलते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो एक बार मिलने के लिए, एग्जैक्टली, वेरी गुड, तो एक बार मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा 12 घंटे में? पहले तो इसको तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, तो वो 720 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 720 डिवाइडेड बाय 11, 720 डिवाइडेड बाय 11, तो ये एक्स का वैल्यू आएगा 65, 11 6 66, और 55, 11 6 66 और 6 55, 5, यस, 5 बाय 11, ठीक है? मतलब इतने मिनट्स में वो मिलते हैं, एक्चुअल जो रियल क्लॉक होता है ना, 65 एंड 5 बाय 11, इतने मिनट्स में एक बार उनका मिलन होता है, आर हैंड एंड मिनट हैंड का। लेकिन अगर वो 65 मिनट्स में ही मिलने लगे, मतलब थोड़ा सा जल्दी मिले ना वो। ये बात समझ में आ रहा है क्या सबको? आर्यन, तनय, एवरीबॉडी, समझ में आया आपको कि 65 एंड 5 बाय 11 मिनट्स में वो मिलते हैं एक्चुअल में, लेकिन अगर 65 मिनट्स में ही मिलने लगे, मतलब वो फास्ट है क्लॉक। अगर थोड़ा सा मान लेते कि यहाँ पे 66 मिनट में मिल जाते, तो उस केस में क्या होता? क्लॉक थोड़ा सा स्लो हो जाता। आई बात समझ में? सो आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्विकली टेल मी। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में पढ़ा था, भूल गया था। दैट्स परफेक्टली फाइन तने, कोई बात नहीं। और अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा। देखो, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स द आर हैंड एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी एट 0 डिग्री टू ईच अदर? ये तो मैं पोल भी नहीं कराऊंगा, इसको सीधा सीधा आंसर 11 है, क्योंकि इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए पोल जरूर करेंगे, लेकिन ठीक है। ओके, सो 21 के लिए पोल हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पोल को स्टार्ट कर दिया है मैंने, ये लो आपका पोल, पोल खोल दो जल्दी से। ओके, एक्चुअल में ये जो परसेंटेज का अपना कॉन्सेप्ट है, याद है, परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 बाय n का इंक्रीज होता है, तो 1 बाय n+1 का डिक्रीज होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, गाइस, डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? चलो मैं अभी बताता हूँ उस क्वेश्चन को। ओके, आई डोंट नो अबाउट इट सर। चलो एनीवेज, मैं पोल को एंड कर देता हूं यहाँ पे। वेरी गुड। चलो, एक इक्वेशन है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो कभी भी इस टाइप का इक्वेशन अगर आए, अगर इस टाइप का इक्वेशन आए, तो उन्होंने क्या बोला, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि इंक्रीज हुआ है 20% से, स्पीड इंक्रीज हुआ है 20% से। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, बताओ सब लोग? 20% का इंक्रीज मतलब कितने का इंक्रीज, फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको, कोई बता सकता है मुझे? यस यस, वो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया, मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, 1 बाय 5। तनय, लेकिन आपने एकदम करेक्ट बोला, 6 बाय 5। आई एम रियली हैप्पी कि आप 6 बाय 5 बोल पा रहे हो। 6 बाय 5 तब जब आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहिए। मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं कि 20% का रिलेटिव फ्रैक्शन क्या है, वो है 1 बाय 5। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि स्पीड इंक्रीज हुआ है 1 बाय 5 से। तो
टाइम कितने से डिक्रीज होना चाहिए बताओ, टाइम कितने से डिक्रीज होना चाहिए? देखो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। नहीं, 1/6 से, 1/6 आर्यन, 4/5 नहीं बेटा, 1/6 से डिक्रीज होना चाहिए टाइम। और 1/6 ऑफ टाइम, इसका वैल्यू उन्होंने 20 मिनट्स दे रखा है, तो 1/6 ऑफ टाइम मतलब 20 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स, है ना? और 120 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, बात खत्म, यही टाटा बाय बाय खत्म, यही आंसर है अपना, ऑप्शन ए, बहुत सिंपल। क्या समझ में नहीं आया क्या? आर्यन समझ में नहीं आया, कहाँ पे डाउट है एग्जैक्टली बताओ तो मुझे, एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट है आपको, कोई बता सकता है? सर आफ्टर 1/5 व्हाट यू डिड आर्यन, ओके रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, व्हेनेवर सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज देयर, और एक टर्म अगर 1/5 से इंक्रीज हो जाए, मतलब 1/5 से इंक्रीज मतलब 1/n का इंक्रीज, ठीक है? तो यहां पे n की वैल्यू देखो क्या है, n की वैल्यू है 5। तो हमेशा याद रखिएगा कि दूसरा टाइम, अपने को डिस्टेंस तो कांस्टेंट रखना है तब होगा ये पॉसिबल, ठीक है? डिस्टेंस, क्योंकि देखो उन्होंने सेम डिस्टेंस बोला है, तो जब डिस्टेंस भी कांस्टेंट है हमारा तब ये अप्लाई करना है आपको, ठीक है? तो 1/n+1 का हमेशा डिक्रीज होता है, 1/n+1 का डिक्रीज। तो n की वैल्यू 5 है, तो n+1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 6 हो जाएगी। अभी आया समझ में आर्यन? इज दैट क्लियर? चलो, तो 1/6 का डिक्रीज हुआ है, तो 1/6 ऑफ टाइम ये उन्होंने 20 मिनट्स दिया हुआ है, तो टोटल टाइम ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आ जाएगा, और 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स, इसीलिए ऑप्शन ए है। इज दैट क्लियर नाउ? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एवरीबॉडी। ओके, और मैं पोल यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। चलो इसके लिए हो सकता है थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम दे देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है समझने में डिफिकल्ट जाए आपको, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैं दे रहा हूँ आपके लिए। ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। अच्छा मैं और एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आपको एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। उन्होंने डिस्टेंस देखो, एक्चुअली वही है 1/n और 1/n+1 वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में इसको बोलूंगा मैं आपको, कि डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, कवरिंग अ सर्टन जर्नी, तो सर्टन जर्नी मतलब डिस्टेंस हमारा कॉन्स्टेंट हो गया है। अगर मान लेते हैं कि हमारा स्पीड स्पीड अगर डबल हो गया, अगर स्पीड डबल कर दिया जाए तो टाइम के साथ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ? अगर हमारा स्पीड डबल हो रहा है तो टाइम क्या होना चाहिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट है? एग्जैक्टली तने, वेरी गुड, हमारा टाइम होना चाहिए हाफ। और अगर स्पीड मान लेते हैं कि ट्रिपल होता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड हमारा ट्रिपल हो जाता तो टाइम क्या होता? एग्जैक्टली 1/3 हो जाता, थ्राइस नहीं बेटा, तने स्पीड ही तो थ्राइस हुआ है, तो हमारा टाइम क्या होना चाहिए, 1/3, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 1/3, तो ये कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और ट्राई टू सॉल्व दिस, मतलब काफी सारा सॉल्व करने के लिए है, तो ट्राई करो जल्दी से। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ओरिजिनल स्पीड अपना है 10 km/h, ओरिजिनल स्पीड है 10 km/h, और न्यू वाला स्पीड है 20, ओरिजिनल है 10।
चलो कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन की क्या करना है। देखो सब लोग ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए सब लोग, कि स्पीड अगर डबल हो जाए तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो देखो यहां पे मुझे एक चीज पता है कि स्पीड जब 10 से 20 हुआ तो डबल हुआ स्पीड। हेलो राजू, वेलकम। 10 से अगर 20 डबल हुआ है यहाँ पे तो टाइम हाफ होना चाहिए, और टाइम हाफ हुआ मतलब 45 मिनट से डिक्रीज हुआ। तो 45 मिनट से डिक्रीज हुआ मतलब जो टाइम का हाफ है। हेलो राजू, फैजी, एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। तो टाइम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्चुअली 45 मिनट्स। यहां तक किसी को डाउट है जल्दी से, राजू, फैजी एंड आर्यन, तने, मुझे जल्दी से बताइए गाइस, कोई डाउट है यहां तक? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो टाइम डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 45 मिनट्स, तो हमारा टोटल टाइम कितना होगा? 90 मिनट्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? इसमें कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताइए। टोटल टाइम हमारा 90 मिनट्स आ गया। या हेलो समीक्षा, वेलकम एवरीबॉडी टू द सेशन। अब हमें क्या करना है कि डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम करके। ओरिजिनल स्पीड मैंने बोला था कि 10 है हमारा, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी पता चल गया 90 मिनट्स। तो 90 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, तो 3 2 6 एंड 3 3 ये, और 2 से कैंसिल 5, तो हमारा डिस्टेंस आ गया। इज देयर एनी अपकमिंग डिटेल कोर्स फॉर अरिथमेटिक फॉर प्लस स्टूडेंट? फैजी, आप एग्जैक्टली कैट के लिए बात कर रहे हो कि आईपी मैट के लिए बात कर रहे हो? यहाँ पर डिस्टेंस देखो गाइस 15 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा, कैट के लिए बात कर रहे हो। सो देर आर मेनी कोर्सेस विच आर करंटली गोइंग ऑन, एंड मैं भी आपके लिए बहुत सारे सेशंस करने वाला हूँ, डोंट वरी। अरिथमेटिक का पूरा कवर करने वाला हूँ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ गाइस, टाइनी यू आर एल, हेलो एवरीबॉडी, जस्ट अ मिनट, tinyurl.com स्लैश स्लैश, एक मिनट, अन आकाश पहुरकर, ठीक है? यहाँ पे जाइए और आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। मैंने एक पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, आप चेक कीजिए, वहां पे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे और डिटेल में मिल जाएंगे। और आप दूसरा भी टाइनी अनअकैडमी आकाश पे भी जा सकते हो, एंड जस्ट मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाले, क्योंकि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप अनअकैडमी का मिलना बाकी है। वैसा मेरा मेरे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है वो अभी मिलना बाकी है, तो जल्दी से आपको मिल जाएगा। एंड देर आर मेनी अपडेट्स दैट दैट विल बी दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस। ओके, तो बस जुड़े रहिए, सारे सेशंस मेरे देखने हैं, लाइव यूट्यूब पे भी रहेंगे और स्पेशल क्लास पे भी रहेंगे। अब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा आ चुका है, अब इसके बाद में क्या करना है सब लोग ध्यान से सुनिए। 15 किलोमीटर 40 की स्पीड से, देखो 40 की स्पीड से और 25 की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, वही चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनिए, अभी टाइम चाहिए, फर्स्ट टाइम 1। अब 15 किलोमीटर अगर आपको 40 की स्पीड से कवर करना है तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपको, अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो 22.5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? और वही टाइम अगर वही डिस्टेंस आपको कवर करना है किसकी स्पीड से, 25 की स्पीड से, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो यहाँ पे टाइम आपको लगने वाला है 36 मिनट्स। तो दोनों भी टाइम में डिफरेंस कितने का है, देखो दोनों भी टाइम में डिफरेंस है सीधा सीधा गाइस, 13.5 मिनट्स का डिफरेंस है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी, गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। कोई भी डाउट नहीं है किसी को? अब हम नेक्स्ट पोल करते हैं। तो अभी इस पोल के लिए भी मैं अभी जल्दी से सेट कर रहा हूँ पोल को, गिव मी मिनट गाइस। ओके, अब ये एक्चुअली बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, बस 1 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सीधा तुरंत आप आंसर कर पाओगे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और जैसे ही पोल खत्म होगा मैं आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, रिमेंबर वेन एवर डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इज सेम, और ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? जब डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल सेम है, डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो उस केस में एवरेज स्पीड से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टेंट, उस केस में एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो पहले पोल को खत्म होने देते, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस 15 सेकेंड्स मोर एंड आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। हेलो आयुष, वेलकम टू द सेशन गाइस एवरीबॉडी। तो चलो पोल खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस केस में, सर आई नीड टू गो, सॉरी दैट्स परफेक्टली फाइन आर्यन, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। अभी हम बस एक दो ही क्वेश्चन और ज्यादा करने वाले हैं, उसके बाद में सेशन खत्म कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सब लोग ध्यान से सुनो। देखो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है उस केस में, देखो मान लेते कि यहां पे ऐसे आप ए से लेके बी तक गए, ए से लेके बी तक गए आप एक्स की स्पीड से और वापिस आए वाई की स्पीड से, और मान लो कि एक्स जो है वो छोटी वाली स्पीड है, ठीक है, एक्स जो है वो छोटी वाली स्पीड है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड जो है इस जर्नी का, एवरेज स्पीड मस्ट ऑलवेज बी लेस देन और लेस देन ट्वाइस एक्स। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो एवरेज स्पीड रहेगा वो हमेशा छोटी वाली स्पीड के डबल से छोटा ही होना चाहिए, वो डबल कभी भी नहीं हो सकता। देखो यहां पे उन्होंने बोला है कि 60 kmph स्पीड है और एवरेज स्पीड उन्होंने दिया है 120, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। छोटी वाली स्पीड से डबल या डबल से ज्यादा कभी भी हमारा एवरेज स्पीड नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। एवरीबॉडी गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। वेरी गुड राजू एंड एवरीबॉडी, अमेजिंग अमेजिंग गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वेलकम सतीश टू द सेशन। और ये क्वेश्चन रहा आपका, इसका पोल मैं कर अभी आपका करने वाला हूं, तो आपको आंसर यहां पे करना है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके यस, तो यहाँ पे मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, सबको आंसर करना है और थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा बिकॉज दिस माइट बी अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर सम स्टूडेंट्स। तो पोल स्टार्ट हो चुका है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्विकली। क्या बात है आयुष, वेरी गुड अमेजिंग। और यहां पे भी मैं एक अजम्पशन से सॉल्व करने वाला हूं, बहुत ही प्यारा अजम्पशन यहां पे हम करेंगे, और वो अजम्पशन अगर आपको समझ में आ गया, ऐसे अजम्पशन आपको करते आए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा पोल के बाद में, एक मिनट बचा है बस मैक्स, पोल के बाद में जो एक्सप्लेन करूंगा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। थोड़ा सा टाइम और गाइस, बस थोड़ा सा पेशेंस और, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है आपने भी कुछ अच्छा मेथड यूज किया हो,
लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा बहुत ही सिंपल सा मेथड है, डोंट वरी एट ऑल। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड आयुष एंड राजू। चलो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला केस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। देखो ये टोटल 600 मीटर का गैप है और पहले 120, पहले क्या हुआ कि 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया गया और रिमेनिंग कितना 480 किलोमीटर कार से ट्रेवल किया गया। और सेकेंड केस में क्या हुआ कि 200 किलोमीटर, एक मिनट, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया बट ठीक है, मान लो कि 200 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से ट्रेवल किया गया और बचा हुआ जो 400 किलोमीटर है वो कार से ट्रेवल किया गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है, यहाँ पे तीन पैचेस है गाइस, तीन पैचेस है। पहला पैच ये 120 किलोमीटर का पैच है, दूसरा पैच जो है ये वाला है, कौन सा, ये पैच है 80 किलोमीटर वाला, ये जो पैच है वो 80 किलोमीटर का पैच है, और लास्ट वाला जो पैच है वो 400 किलोमीटर वाला है, ये वाला, ठीक है। तो अब सब लोग एक बात बताइए मुझे कि ये जो 20 मिनट का अंतर आया उनके बीच में वो कौन से पैच की वजह से आया, पैच नंबर 1 की वजह से आया कि 2 की वजह से कि 3 की वजह से। एग्जैक्टली तनय, उस 80 किलोमीटर की वजह से, पैच 2 की वजह से वो 20 मिनट का गैप आया। और सेकेंड केस में 20 मिनट ज्यादा क्यों लगे, क्योंकि वो पैच सेकेंड केस में ट्रेन ने ट्रेवल किया है। मतलब एक चीज मुझे पता चल गई कि 80 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए ट्रेन है यहाँ पे और कार है। 80 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कार को मान लेते कि एक्स मिनट लगते हैं, तो ट्रेन को एक्स प्लस 20 मिनट्स लगेंगे, मतलब दोनों में 20 मिनट का गैप है, ठीक है। 80 किलोमीटर के लिए 20 मिनट का गैप है, तो कोई मुझे बताएगा कि 1 आवर 60 मिनट के गैप के लिए कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा। 80 किलोमीटर, यहां पे मैं बता रहा हूं, देखो कि 80 किलोमीटर के लिए उनके बीच में 20 मिनट का गैप है, एग्जैक्टली तो आपको ट्रिपल करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो 240 किलोमीटर के लिए उनके बीच में 60 मिनट मतलब 1 आवर का गैप आएगा। अब कोई मुझे बताएगा कि मुझे ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड क्या अज्यूम करूं ताकि 240 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 घंटे का गैप आए, कोई मुझे बताएगा। अभी तो अजम्पशन की बात है, आपको बस फैक्टर्स पता होने चाहिए 240 के। ऐसा कौन सा स्पीड में अज्यूम करूं ताकि ट्रेन और कार के ट्रेवल के लिए 1 घंटे का गैप आए, एग्जैक्ट, नहीं नहीं 60 और 80, राजू 60 और 80 है ना, ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो 60 km/h की स्पीड रहेगी ट्रेन की, मतलब इसको देखो 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे, और कार का स्पीड हमें 80 किलोमीटर पर आवर कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे। तो देखो बराबर से 1 घंटे का गैप आया है ना, 1 घंटे का गैप आया, तो ट्रेन का स्पीड देखो पता चल गया 60 km/h, सो ऑप्शन बी। Everyone quickly give me a thumbs up in the chat box अगर आपको ये method पसंद आया, समझ में आ गया। देखो ये तो मुझे बहुत सारा तामझाम करना पड़ रहा है, ये जो आपको visual representation देना पड़ रहा है वो तो explanation के लिए है, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तब next time जब इस type का question solve करोगे आपको वो पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप directly सीधा सीधा answer कर पाओगे। सबको आ गया समझ में, कोई doubt है किसी को, जल्दी से बताइए guys। वेरी गुड एवरीबॉडी, हेलो, वेलकम एवरीवन टू द सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अपन यहाँ पे पोल खोलने वाले हैं। ओके, और जस्ट अ मिनट, यस, तो हम पोल खोल रहे हैं गाइस एंड एवरीबॉडी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। सफिशिएंट टाइम मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ओके, वेरी गुड, चलो हमारा पोल स्टार्ट हो चुका है, लेट्स सी कौन आंसर करता है इसको।
सफिशियंट टाइम दिया है गाइस, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट सारे मेथड्स बताऊंगा। वेरी गुड, ओके, अमेजिंग। वेरी गुड शैडो, अमेजिंग। बस थोड़ा सा टाइम और गाइस, 70 सेकेंड्स, बस 70 सेकेंड्स है। सब लोग ट्राई कीजिए, गलत भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट गाइस, और ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। और यस, कल भी हमारे सेशंस रहेंगे, 2 बजे हमारा आईपी मैट का यूट्यूब सेशन, 7 बजे कैट का यूट्यूब सेशन होगा, तो ऐसे आपको रोज डीपीपी अटेंड करने हैं, तब जाके आपको काफी फायदा होगा। बस आधा मिनट, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर 1 मिनट, अगर आपको एक चीज पता नहीं होगी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या आपको गाइस? डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ट्वाइस S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? और चलो 5 सेकंड बचे और मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। बस ऑलवेज रिमेम्बर, एक कॉन्सेप्ट याद रखना सब लोग, कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आपको यूज करना है, लेकिन जब टाइम कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या करना है? सीधा सीधा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2। ये समझ में आ गया सबको? एवरीवन प्लीज टेल मी, ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आपको क्या करना है, देखो एक लंबा सा यहां पे पैच कर देते हैं हम लोग। हाफ डिस्टेंस के लिए देखिए, यहाँ पे हाफ डिस्टेंस के लिए उसने बोला है कि ट्रेवल्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस टू एट स्पीड ऑफ 10 km/h। तो पहले हाफ डिस्टेंस के लिए 10 km/h का स्पीड है, और ओके मान लेते कि टोटल डिस्टेंस है 2x, टोटल 2x का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है x का और ये डिस्टेंस है x का, ठीक है? अब आपको इसके आगे देखना है कि यहाँ पे हाफ टाइम के लिए, मान लेते कि यहाँ पे 1 आवर तक उसने, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1 आवर तक उसने 15 km/h की स्पीड से ट्रेवल किया, और यहाँ पे बचे हुए हाफ, यहाँ फिर से 1 आवर के लिए उसने 20 km/h के हिसाब से ट्रेवल किया। अब मुझे इस सेकेंड वाले पैच का एवरेज स्पीड बता सकते हो कोई? ये जो सेकेंड वाला पैच है, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, कैसे निकालोगे? टाइम सेम है ना, सेकेंड वाला जो हाफ है उसके लिए टाइम सेम है दोनों पैचेस के लिए, राइट? मैं राइट वाले हाफ की बात कर रहा हूं, 1 आवर 1 आवर, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? उस हाफ का एवरेज स्पीड 35/2, एग्जैक्टली, वेरी गुड, 35/2 होगा। मतलब इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा टोटल? 35/2 मतलब 17.5। अब आप डिस्टेंस कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना? अब ये वाला हाफ के लिए 10 km/h पता है, और नेक्स्ट वाले हाफ डिस्टेंस के लिए 17.5 पता है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो क्या होगा आंसर? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा ट्वाइस, स्पीड वन क्या है 10, और स्पीड टू क्या है 17, इंटू स्पीड टू क्या है 17.5 डिवाइडेड बाय 27.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, यस, आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में अच्छे से सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर आएगा 12.63, कुछ 12 एंड 8 बाय 11, ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्विकली टेल मी, कोई डाउट है किसी को? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो चलो गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। तो ऐसे ही, और आई होप आप ये आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं गाइस सेशन को, ठीक है? काफी सारे आज हमने सेशंस किए हैं, एंड आई बिलीव दिस वाज हेल्पफुल। सो आज के लिए हम यहीं पे सेशन को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स मीट टुमारो, और ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड नाइट, गुड नाइट। यस, ग्रुप्स को ज्वाइन तो सबने कर लिया होगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाय बाय गाइस, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।